अब तक बताया गया है कि कोरोना के प्रसार को धीमा करने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी लोग एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना के बचाव में यह हमेशा मददगार साबित नहीं हो सकता। दरअसल एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने ये पाया कि वायरस खांसने, छींकने और गाने के कुछ सेकंड बाद ही ड्रॉपलेट्स के रूप में 26 फीट तक फैल सकता है। 6 फीट की दूरी बनाकर रखने की सलाह एक आसान तरीका है जो बताता है कि वायरस दूसरे फैक्टर पर विचार किए बिना बड़ी या छोटी हवाई बूंदों द्वारा कैसे फैलता है। वायरस का प्रसार होना काफी पेचीदा है। इन परिणामों के आधार पर रिसर्च टीम सलाह देती है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए एक बेहतर मॉडल की जरूरत है। गाइडलाइंस के लिए इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे भीड़ कितनी है, कोई व्यक्ति वहाँ कितनी देर से है और क्या लोगों ने वहाँ मास्क पहना है। इस गाइडलाइन को ऐसी जगह प्रयोग करें जहाँ खतरा अधिक हो, जैसे भीड़ भरा वातावरण, जहाँ लोग चिल्ला रहे हैं या गाना गा रहे हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग को इस तरह से बनाया जाएगा तो उच्च जोखिम की जगह अधिक से अधिक सुरक्षा होगी। सही तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग कई बातों पर निर्भर होती है, जिसमें वायरस के प्रसार का खतरा भी जुड़ा है। अटलांटा में एमोरी यूनिवर्सिटी रोलिंग्स स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विज्ञान के सहायक प्रोफेसर क्रिस्टन ब्रिटन नेल्सन कहते हैं, कितना पास रहना ज्यादा करीब है, इसके लिए बेहतर, आसान और तुरंत समझने का तरीका हो तो बेहतर है। उन्होंने जॉर्जिया में COVID-19 के सुपर स्प्रेडिंग पर शोध किया है। वे दूसरे शोधकर्ताओं के साथ सहमत भी हैं कि सभी को छोटे से छोटा फर्क और उच्च जोखिम वाली गतिविधियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। उनका कहना है कि हाल के हफ्तों में देखा गया है कि ट्रांसमिशन को कम करने के नाम पर पार्क, बीचेस और खेल के मैदान जैसे बाहरी स्थानों को बंद करने की नीतियां अभी भी जारी हैं, जो कि लोगों को गुमराह करने वाली है। न्यूयॉर्क शहर के लिनॉक्स हिल अस्पताल के फेफड़े के विशेषज्ञ लेन हेरोविट्स कहते हैं कि आपको धूमपान की तरह कोविड ट्रांसमिशन के जोखिम के बारे में भी सोचना होगा। जब आप सिगरेट के धुएं को बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 6 फीट से ज्यादा दूर होता है। वो कहते हैं कि बाहर की तुलना में घर के अंदर इस वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। अगर कण छोटे हैं तो ये तेजी से फैलते हैं। रिस्क आपकी गतिविधि पर भी निर्भर करता है। दरअसल वायरस ट्रांसमिशन रिस्क की एक सीमा है। इसमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आप शारीरिक रूप से लोगों से कितनी दूर हैं, बल्कि ये भी सोचें कि कौन सी गतिविधियाँ सुरक्षित हैं। ऐसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ अगर आपको सेहत से जुड़ी या किसी अन्य बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।